हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज ये लवली फेस्टिव लुक सीखते हैं। बहुत ही वेडिंग ही है, आप कोई भी इंडियन फंक्शंस में ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अभी हमारे यहाँ पे जो मॉडल है उनका फेस है थोड़ा सा ऑयली स्किन, तो आप देख सकते हैं बहुत हल्के हल्के ब्रेकआउट्स हैं, पोज हैं स्किन में थोड़े से। तो उसके लिए क्योंकि ऑयली स्किन है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। और ये जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, और अभी समर्स भी आ गया है तो हमको ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है न्यूट्रीजेनिया का हाइड्रो बूस्ट। और इसको आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अभी दो वे हैं अप्लाई करने के, द वन इज़ कि आप डायरेक्टली अपने फिंगर्स से अप्लाई कीजिए, और एल्स अगर आपके पास ऐसा कोई स्टिपलिंग ब्रश हो तो आप ऐसे ब्रश से भी आप ले सकते हैं। अभी इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, बिकॉज मॉइस्चराइज़र हाथों से भी उतने ही अच्छे से अप्लाई होते हैं। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा फिंगर्स का रहता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि कितना डीप जा रहा है मॉइस्चराइज़र और बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। हमारे हाथों में पूरा कंट्रोल होता है कि हम अच्छे से उसको मसाज आउट करें। एंड द बेनिफिट इज़ कि जब आप किसी पे मसाज कर रहे हैं तो उनको भी एक रिलैक्सेशन मिलता है। सो येस, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप मॉइस्चराइज़र किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। होप दिस हेल्प्स। अब यहाँ पे मैं इन पे यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। अब क्योंकि ऑयली स्किन भी है और समर्स भी आ गई हैं तो ये मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सिर्फ हाइड्रो बूस्ट यूज़ कर सकते हैं एंड देन अपना मेकअप प्रोसेस चालू कर सकते हैं। बट यहाँ पे इतनी भी ज़्यादा एक्सट्रीम केस नहीं है, सो आई एम यूजिंग वेरी मच मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र। सो येस, होप दिस हेल्प्स। वेल, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो आता है प्राइमर, तो हम यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कंट्रोल प्राइमर। तो यहाँ पे बिकॉज इट्स अ ऑयली स्किन एंड समर्स एज वेल, सो यहाँ पे आई विल टेक अ क्वाइट जेनरस अमाउंट ऑफ ऑयल कंट्रोल प्राइमर फ्रॉम PAC। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सर्कुलर मोशंस में लगा रही हूँ ये प्राइमर, ना कि मैंने सिर्फ ऐसे स्वाइप किया है। नो, हमें जो पोज है उनको फिल करना है, सो वी विल अप्लाई इट इन अ सर्कुलर मोशन कम्प्लीटली। एंड इन पे मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपकी क्लाइंट को कोई भी पार्टी अटेंड करनी है, वेडिंग अटेंड करनी है, तो आपको सीजन्स भी ध्यान रखने हैं कि समर्स आ चुका है, प्लस क्लाइंट की जो स्किन है वो ऑयली हो चुकी है, ऑयली स्किन है एंड पोज वाली है। सो येस, इट विल ऑल्सो एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ ऑयल कंट्रोल प्राइमर, एंड ये बैरियर भी क्रिएट करता है स्किन और मेकअप के बीच में। सो येस, इट्स वेरी मच गुड टू गो। होप दिस वीडियो हेल्प्स। वेल, अभी यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर करेक्टर आपको जो नाम देना है। तो बेसिकली ये उनके फेस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन है हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है LA Pro Girl का लिक्विड कंसीलर। द रीज़न इज़ कि बिकॉज हमारी जो क्लाइंट है वो ऑयली स्किन की है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिक्विड कंसीलर, ना कि क्रीम कंसीलर। अगेन एंड अगेन मैं यही बोलूँगी, समर्स भी आ चुकी हैं, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है। एंड फॉर द कंसीलर हियर आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश, एंड दिस ब्रश इज़ फ्रॉम बेली, जो बेली कॉस्मेटिक्स का 30 का सेट आता है उसमें से ये वन ऑफ द ब्रशेज है। सो येस, आई एम अप्लाइंग द लिक्विड कंसीलर, और आप देख सकते हैं बहुत ही इवनली स्प्रेड आउट हुआ है, एंड दिस इज़ वाओ। सो आप भी ये ट्राई करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा। होप दिस हेल्प्स। अब जैसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपर लिप्स नहीं कराते हैं और कुछ फेशियल हेयर्स होते हैं उनको, तो अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट हो जो बहुत ही नेचुरल रहते हैं और यहाँ पे जैसे अपर लिप्स नहीं कराए हुए हैं,
तो मेरा एक ही टिप है उन लोगों के लिए कि आप यहाँ पे जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना डिपॉजिट करें, बिकॉज जितना प्रोडक्ट यहाँ पे लेयर अप होगा जहाँ पे उनके फेशियल हेयर है तो वहाँ पे प्रोडक्ट सही से नहीं टिकेगा। तो मिनिमम प्रोडक्ट उस एरियाज़ में यूज़ कीजिए और उन क्लाइंट्स को बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप दीजिए, ना कि हैवी मेकअप, क्योंकि वो मेकअप उतना अच्छे से उठ के नहीं दिखने वाला है। सो दिस इज़ अ टिप, होप दिस हेल्प्स। वेल, यहाँ पे अब मैं Maybelline का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो Maybelline का फिट मी फाउंडेशन है वो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ इनकी स्किन टोन में। एंड अगेन वो एक नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन है Maybelline का, एज इट इज़ रिटन दिस फाउंडेशन इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली। और यहाँ पे जो मैंने शेड यूज़ किया है इन पे, मैंने बेसिकली दो शेड्स मिक्स किए हैं। द शेड इज़ 332 गोल्डन कैरमल एंड 128 वॉर्म न्यूड बेज। तो मैंने 128 एंड 332 शेड मिक्स किया है, इनका शेड बनाया है एंड देन आई एम कम्प्लीटली अप्लाइंग इट। शेड चेक किया है, मैच हो रहा था, सो नाउ आई विल अप्लाई इट एंड करेक्टली ब्लेंड इट। सो यहाँ पे मैंने कम्प्लीट फेस पे नहीं अप्लाई किया है और सिर्फ थोड़े थोड़े एरियाज में अप्लाई करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। एंड दिस मेकअप इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीट न्यूड मेकअप, सो होप दिस हेल्प्स। नाउ अभी हम इनके फेस पे हाइलाइटर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जस्ट कि एक स्कल्प्टेड इफेक्ट दिखे फेस में। तो यहाँ पे आई एम यूजिंग मैक का NC25 फॉर दी हाइलाइट, और ये सिर्फ और सिर्फ इनके हाइलाइटिंग जोन में। अब आपको ये ध्यान रखना है, आप हमेशा हाइलाइटिंग जब जोन करेंगे तब आपको डायरेक्ट अंडर आइज पे नहीं लेना है, क्योंकि ब्लेंड होते होते प्रोडक्ट वो अंडर आइज तक चला ही जाएगा। सो यू विल अप्लाई ओवर ईयर, बस इतना, एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। सेम आप नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे एंड बाद में इसको ब्लेंड करेंगे। मिड ऑफ द नोज़, क्यूपिड एरिया अच्छे से, चिन एरिया एंड फोरहेड। हमारी मॉडल का फोरहेड बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे हमको इल्यूजन देना है एक हल्का सा वाइड फोरहेड का, तो बस यहाँ पे हमने किया। एंड फिर बाद में आपको जितना हाइलाइटिंग आपको लगे कि और चाहिए देन यू कैन ऐड इट ऑन। एंड येस, लुक अप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग करते करते ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ ही जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी क्रीजेस बनती है ज़्यादा तो वो नहीं बनेगी बिकॉज आप बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सो येस, दिस इज़ द राइट वे टू अप्लाई हाइलाइटर विद द हेल्प ऑफ कंसीलर और लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन, होप दिस हेल्प्स। वेल, अभी यहाँ पे जो इनका फेस है बहुत ही प्रॉपरली ओवल फेस है, तो इनमें हम बहुत ही लाइट कॉन्टोर देंगे, वेरी मिनिमम इफेक्ट, और इससे इनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो और भी अच्छे से स्कल्प्टेड इफेक्ट देगा। सो आई गेस यू कैन सी इट नाउ। अगर मैंने इनके जॉ लाइन और चीक बोन्स में कॉन्टोर लगा लिया है, सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द साइड्स। तो एक बहुत ही मिनिमम कॉन्टोर, और कॉन्टोर आपको हमेशा क्लाइंट के हिसाब से देना है कि वो हैवी कॉन्टोर कैरी कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज मोस्टली क्लाइंट्स हमेशा एक सॉफ्ट कॉन्टोर जाते हैं, ना कि हैवी ड्रामेटिक कॉन्टोर। सो येस, इतने से ही मैंने एक ही साइड कॉन्टोर किया एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन हर फेस स्ट्रक्चर। सो बहुत ही मिनिमम कॉन्टोर है, हमेशा मिनिमम कॉन्टोर कीजिए एंड जितना चाहिए उसको बिल्डअप कीजिए, होप दिस हेल्प्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उन पे क्रीम ब्लश, और जो इन पे डीपर शेड्स है, क्योंकि जो हमारी मॉडल है ये हमारी थोड़ी डस्की मॉडल है, तो यहाँ पे जो इनकी डीपर शेड्स है आप देख सकते हैं, जो पैलेट है माय मेकअप स्टोरी का, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। आप इसको एज अ टिंट, एज चीक टिंट, एज आई टिंट, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो डीपर शेड्स हैं मैं इसको ले रही हूँ इनके ब्लश के लिए, तो तब जाके ब्लश बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। जब आपको चाहिए कि ब्लश बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपके पूरे फंक्शन में चले, सो दिस इज़ द टेक्निक आपके लॉन्ग लास्टिंग ब्लश के लिए। सो जब भी आप क्रीम ब्लश अप्लाई करेंगे देन योर ब्लश विल रियली स्टे। अभी जब भी आपका एक क्रीम बेस हो जाए सब कुछ एंड देन आपका पाउडर एप्लीकेशन का टेक्निक आता है, जब हम बेस को पैक करते हैं, तो उससे पहले जो भी आपकी अंडर आइज में और लाफिंग लाइन एरिया में अगर कुछ भी क्रीज हो गया हो, तो पहले अपने मॉडल को बोलिए ऊपर देखिए एंड देन अच्छे से उस एरिया को ब्लेंड कीजिए। ऐसा तरह का एक फिंगर पफ बहुत ही अच्छा होता है, राउंड वाला जो होता है पूरे ऑल ओवर फेस पे लगाने के लिए अच्छा होता है, बट जैसे अगर आपको इन कॉर्नर्स पे अप्लाई करना है तो ऐसे जो फिंगर पफ्स आते हैं बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं एप्लीकेशन में।
यहाँ पे मैंने बनाना पाउडर लिया जिसमें एक थोड़ा सा येलो टिंट है, अच्छे से उसको रब किया थोड़ा सा, जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा निकाला, एंड देन आई अप्लाई। सबसे पहले जब भी हमको बेस को पैक करना है, सबसे पहले मैं अंडर आई एरिया और जो लाफिंग लाइन एरिया है उसको मैं पैक कर दूंगी, एंड देन मैं अपना रेस्ट ऑफ द फेस कंटिन्यू करूंगी। ओके, होप दिस हेल्प्स। वेल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कॉम्पैक्ट ब्लश पैलेट्स, तो यहाँ पे मेरे पास स्मैश बॉक्स का है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में ऐसे पैलेट्स आते हैं, सो आप ऐसे पैलेट्स ले सकते हैं। तो ये वैरायटी में बहुत कॉम्पैक्टली आ भी जाते हैं, एंड देन यू कैन ईजीली यूज़ इट। तो ये है कि अगर आपको बहुत ही स्मॉल वैरायटी बनानी है तो यस, ये बहुत ऐसे हैंडी रहते हैं ऐसे वाले पैलेट्स, तो ऐसे वाले पैलेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। होप दिस हेल्प्स। स्माइल कर, आपको जब लगे कि अगर आपका ब्लशर हैवी हो चुका है तो पहले तो आप उस पर लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा के उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन वन मोर टिप मैं अगर आपको दूँ तो ये है कि अभी मुझे तो मेरा ब्लशर नॉर्मल लग रहा है, बट मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप हाइलाइटर लीजिए कोई भी अपने ब्रश में, और ये बिग ब्रश लिया है, इसमें देख रहे हो आप हाइलाइटर लगा हुआ है, देन ऐड सम ऑफ योर सेटिंग स्प्रे इन इट। सेटिंग स्प्रे ऐड करने के बाद आप पूरे चीक्स में हाइलाइटर डालें तो वो दो काम करेगा, आपके ब्लश का इफेक्ट भी थोड़ा कम कर देगा अगर ज़्यादा पिंकनेस हो गया है, एंड दूसरा चीक्स को बहुत अच्छे से और स्मूथली एक इफ़ेक्ट देके हाईलाइट करेगा, और बहुत पाउडरी इफेक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, इल्यूमिनेटिंग लगेगा, काफ़ी एक नेचुरल ग्रो इफेक्ट लगेगा, बहुत ही ड्यूई टाइप लगेगा। भले आप पाउडर यूज़ कर रहे हो तो भी वो आपको एक ड्यूई इफेक्ट देगा, एंड यू कैन सी योर कि ये इस इफ़ेक्ट से आपका जो चीक्स में अगर टिंट ज़्यादा हो गया है, आपने ब्लश ज़्यादा लगा लिया है, तो इससे आप लाइट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन टिप, होप दिस हेल्प्स। वेल, अभी मैं यहाँ पे जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, दिस मस्कारा इज़ अ प्रोफेशनल ब्रांड विच इज़ फेरारूसी, एंड ये मस्कारे का सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको दोनों तरह के वैंड्स मिलते हैं। द वन इज़ द मोस्ट टाइनीस्ट वैंड, जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको जब भी लोअर लैशेज में मस्कारा अप्लाई करना हो, जस्ट आस्क योर मॉडल टू लुक अप, एंड लुक अप आँख ऊपर, आईज ऊपर, एंड ये आप बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और ये बहुत कंफर्टेबल है डालने के लिए, मेस नहीं क्रिएट होता है बिल्कुल भी, एंड ऑल्सो जो थिक वैंड होता है ये उसके साथ भी आता है, एंड दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। जब भी आप लैश लगाते हैं और फिर जो आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं उसमें जो स्पेस बचती है, तो उसमें आपको लैशेज़ में और इनर कॉर्नर्स के बीच में जो टियर डक के बाजू में जो स्पेस होती है उसको आपको कवर अप करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, एंड देन इस साइड देखो आँखें इस साइड, एंड देन यू हैव टू कवर अप विद अ काजल पेंसिल, और उसको इक्वल लाइन में आपको लेके आना है, एंड ऐसे आपकी आँखें बहुत ही प्रॉपर और इलांगेटेड भी लगती है, खाली स्पेस लेफ्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ डबल सेटिंग्स मेथड, अब यहाँ पे मैंने डबल फिक्सिंग मेथड, सॉरी, सो यहाँ पे मैंने लिया है माय मेकअप स्टोरी का फिक्स एंड लॉक फिक्सिंग स्प्रे, एंड सबसे पहले मैं इसको जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है उस पर मैं स्प्रे करूँगी अच्छे से। अच्छे से स्प्रे करने के बाद ये आपको समर्स में आपकी ब्राइड्स के लिए ये सब बहुत काम के टिप्स हैं, तो ये आपने स्प्रे करके स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो गया है, एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ हल्के से पूरे फेस में ये डैब करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो भी प्रोडक्ट है उधर ही लॉक हो जाएगा। लुक अप आँख खोल के, वहीं पे ये लॉक हो जाएगा, एंड देन इस प्रोसेस के बाद आपको अगेन फिक्स करना है जैसे हम रेगुलरली स्प्रे से फिक्स करते हैं, एंड देन ये आपका हो गया डबल फिक्सिंग मेथड, एंड इट विल मेक योर मेकअप लास्ट लॉन्ग फॉर द होल डे फॉर द होल इवेंट। होप दिस हेल्प्स।
वेल तो होप यू एंजॉयड दिस होल ट्यूटोरियल। मैंने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर किए हैं। और भी आपको कुछ जानना हो मेकअप रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको और मेकअप में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो उन सब के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड ये वाले मेकअप में मैंने आई मेकअप नहीं अपलोड किया है। अगर आपको ये आई मेकअप का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना के अपलोड करूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यू वांट आई मेकअप का ट्यूटोरियल। एंड यस, यहाँ पे हम हमारी जो अकेडमी है धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी, हमारी अकेडमी बेस्ड है अहमदाबाद में। अगर आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सिखाते हैं सेल्फ मेकअप का कोर्स। हमारा जो सेल्फ मेकअप कोर्स होता है वो होता है कंप्लीट 10 डेज का कोर्स। एंड जिनको भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है और प्रोफेशनली कोर्स परस्यू करने हैं उनके लिए कोर्स है बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, वो होता है कम्प्लीटली 30 डेज का। और भी आपको कुछ भी डाउट्स है, डिटेल्स चाहिए तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9978648888 पे। एंड यस, हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, आपको जैसा भी लुक्स चाहिए, जैसे भी मेकअप देखने हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल्स बनाने की ट्राई करूंगी। एंड आई गेस यू एंजॉयड दिस लुक। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।